अब जिगर थाम के बैठिए, सदर मुशायरा की तकरीर का वक्त है। मैं बस एक शेर उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा और उन्हें आपके रूबरू आने की दावत दूंगा कि हम ही में रहते हैं वो लोग भी कि जिनके सबब, हम ही में रहते हैं वो लोग भी कि जिनके सबब जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरमुल मुकाम मजीद मेहमान साहब से कि तशरीफ लाएं और कलमात सदारत पेश करें। जिंदगी अज़्म से कायम है वगर ना ए मजीद, जिंदगी अज़्म से कायम है वगर ना ए मजीद, मौत पसपाई की सूरत में कई बार आई। आली जनाब शकील अहमद साहब, आली जनाब प्रोफेसर शमीम जयपुरी साहब, आली जनाब आसिफ आज़मी साहब, आली जनाब हसन चौगले साहब, आली जनाब अजीज नबील साहब, भारत के एम्बेसडर के नुमाइंदे आली जनाब आनंद प्रकाश साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा, दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाए शोरा हजरात, शायरा बहन और बहरीन के उर्दू के चाहने वाले मेरे तमाम अजीज भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मजलिसे फख्रे बहरीन बराए फरोग़ उर्दू ने मुझे जब इस बात की इत्तला की कि बहरीन में 18 फरवरी को यह खूबसूरत सा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तो मसरूफियात के बावजूद मैंने यहाँ आना अपना फ़र्ज समझा और इस दावत नामे को एक एज़ाज़ समझा और आपके सामने मैं मौजूद हूँ। हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में जहाँ मुल्ला साहब जिनके बारे में हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं उर्दू को याद करने खराज तहसीन के लिए, हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में उर्दू को एक मिटती हुई ज़बान समझा जा रहा है, एक ऐसी शमा जो शायद आहिस्ते आहिस्ते रोशनी कम हो रही है और बुझ रही है, इस तरह का एक परसेप्शन बना हुआ है। और एक परसेप्शन ये भी वहाँ हिंदुस्तान में बना हुआ है कि उर्दू महज मुसलमानों की ज़बान है और वो मुसलमानों के कल्चर तक ही सीमित है। इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए आज एक ऐसी अजीम शख्सियत के ताल्लुक से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये एक अजीम शख्सियत जीनियस जिसे हम कहते हैं, तारीख में अपनी अपनी फील्ड में हमने देखा है कि गुज़िश्ता सदियों में कभी कभार ऐसे अशखास उभर के आए हैं जिन्होंने अपनी मुस्तकिल जगह तारीख में बना ली है। उर्दू अदब की तारीख अगर जब भी लिखी जाए 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी, तो उसमें 20वीं सदी के ये अजीम शायर जस्टिस पंडित आनंद नारायण मुल्ला साहब का नाम यकीनी तौर पर शामिल होगा। अल्लाह ने उन्हें तवील उम्री बख्शी, 1901 से 1997 तक लगभग सारी 20वीं सदी पर उन्होंने राज किया। उनकी शख्सियत के अलग अलग पहलू, मैं परेशान इसलिए हो जाता हूं कि उसी रास्ते पर चलने वाला एक मामूली सा जर्रा, एक वकील, एक सियासतदान, एक शायर, कोई मामूली बात नहीं है। एक कामयाब वकील होना और उस कामयाब वकालत के बाद जज का इंतखाब होना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजशिप इख्तियार करके इंसाफ देना लोगों को कुछ सालों तक, उसके बाद लोकसभा में चुनकर आना और उसके बाद राज्यसभा में दो टर्में रखना,
और साथ ही साथ अपना यह ज़ौक उर्दू से अदब के से शायरी, और उनके बारे में सारी किताब हम लोगों के सामने है और मैं उन तफसील में उनके नहीं जाना चाहता, मगर इतना यकीनी तौर पर कहूँगा कि एक काबिले एतराफ़, एक काबिले यूँ समझे कि जिसको हम सलाम करें तो हमारे हाथ थक जाएं लेकिन शायद वो सलाम मुकम्मल ना हो, एक ऐसी शख्सियत। और हिंदुस्तान में जैसा कि मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुछ माहौल ऐसा बना है, कुछ गलतफहमियाँ लोगों के दिलों में हैं और हालात कुछ ऐसे हैं, हम लोग सियासत में भी हैं और हम देखते हैं करीब से समाजी, माशी, इक्तसादी और तालीमी और तमाम जावियों से, सियासी जाविये से देखा जाता है कि लोगों में नातफाकी पैदा करने की कोशिश की जाती है, कोई ऐसी जबान या कोई ऐसा आला, कोई ऐसा जरिया हो कि जिससे लोगों को एक साथ लिया जाए। उर्दू जबान में जब हम जिस शख्स के बारे में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनकी एक बड़ी खसूसियत मैं कहूँगा कितना रिलेवेंट है, देखिए ये कि आज हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने का काम कुछ मुख्तसर से लोग कर रहे हैं, हालांकि दोनों एक साथ शाना बशाना हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जुड़े हुए हैं, कोई उसमें शक की गुंजाइश नहीं। तो पंडित और मुल्ला, इन दो को करीब लाने वाला ये नाम है जो मुल्ला पंडित से शुरू होता है और मुल्ला पे खत्म होता है। और जहां तक के उर्दू जबान के बारे में उन्होंने कहा कि जब उनसे किसी ने ये कहा कि साहब उर्दू तो मुसलमानों की जबान है, उर्दू मजहब से जुड़ी है, तो उर्दू की मोहब्बत का उनके दिलो दिमाग पर वो असर रहा कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मैं अपने मजहब से कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं मगर अपनी जबान से नहीं। उर्दू की खूबसूरती, मैं एक मुख्तसर सी एक मिसाल दूं उसकी कि हमारे मुकदमे जब हम हिंदुस्तान में चलाते हैं अदालतों में, तो एक बड़ा सेंसेशनल केस में चला रहा था, सारी दुनिया में उसके चर्चे होते थे, तो क्रॉस एग्जामिन करते वक्त एक गवाह जो आके खड़ा हुआ, वो इत्तेफाक से नॉर्थ इंडिया का, वो ऐसा अजीब गवाह था कि जो साधारण हिंदी भी नहीं समझता था, मराठी में महाराष्ट्र में चलते हैं कुछ लोग मराठी में सवाल पूछते हैं तो सिंपल हिंदी में भी उसको समझ में नहीं आती थी, वो सिर्फ बहुत ही फसीह उर्दू समझता था। अब जज साहब को भी उतनी उर्दू नहीं आती, सरकारी वकील साहब को भी उतनी उर्दू नहीं आती, और वो प्रोसिक्यूशन के सीबीआई के जितने ऑफिसर्स वहाँ बैठे हैं उनमें उनको भी उर्दू नहीं आती। इत्तेफाक से मेरा एक यूँ समझिए लॉटरी निकली, मैंने उसको उर्दू में सवाल पूछे, सब फंसी उर्दू में, तो जज साहब भी अरे भाई इसका मतलब आप ट्रांसलेट कर लेंगे, हम लोग दो चार सवाल पूछे हमने और उसके बाद दो चार जवाब देने के बाद जज साहब उठकर चैम्बर में 5 मिनट के ब्रेक के लिए गए और उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलवाया और बोला मजीद साहब आप मेहरबानी मुझ पर यह कीजिए कि एक उर्दू टीचर मेरे घर भेज दीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ। ये कशिश है इस जबान में, इतनी खूबसूरत जबान, इतनी नफीस जबान, दिलों को दिलों के की गहराइयों में घर कर लेने वाली जबान, उस फरोगे उर्दू की कोशिश में यहां जो शकील साहब और उनके अहबाब ने आज यह तमाम किया है, मैं तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे इस बात का अंदाजा है कि शकील साहब जैसी एक मसरूफ शख्सियत, मशगूल शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, जिनको अपने काम की जिम्मेदारी से, खानदान की घरेलू जिम्मेदारी से, कारोबार की जिम्मेदारी से बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता होगा, ऐसे शख्स ने अगर इतना वक्त देकर इतनी खूबसूरती के साथ इस किस्म का एक जलसे का एहतमाम किया तो मैं समझता हूँ वाकई में वो काबिले तारीफ है। और हिंदुस्तान जब हम यहाँ से लौटेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हमारे अपने जो उर्दू के चाहने वाले लोगों हैं उन तक तो ये पैगाम पहुँचाना होगा कि देखिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में बहरीन जैसे एक मकाम पर इतनी शानदार तरीके से एक एहतमाम किया गया है इस आज की मजलिस का कि जिसके लिए शकील साहब और उनके तमाम अहबाब जो है वो तहे दिल से मुबारकबाद के हकदार बनते हैं।
आप सबने भी अपना कीमती वक्त देकर आज यहाँ आना मुनासिब समझा और शरीक हुए। आप लोगों ने मुझ जैसे एक नाचीज शख्स को इस लायक समझा कि आज के इस जलसे की मैं सदारत करूं, इसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूं, उन लोगों का मशकूर हूं जिन्होंने इस जलसे का अहतमाम किया है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अब आने वाले कुछ लम्हात में आप महजूज होंगे शोरा को सुनकर। एक से एक, मैं किसी का नाम लेके कुछ कहना नहीं चाहता, एक से एक बढ़कर यहाँ हमारे सामने सितारों की तरह से जगमगाते हुए शोरा स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। इंशाल्लाह आप यू विल एंजॉय उर्दू पोइट्री इन द डेज आवर्स टू कम। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।